चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन को इसे इसलिए कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बहुत से प्रावधान जोड़े गए संविधान में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में। अगला है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिए, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो याद रखिए, केवल अनुच्छेद 39 का और खा और गा के क्रियान्वयन के, गा और खा याद रखिए। अगला है, वैदिक व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो अनुच्छेद 14 में। अगला है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में अधिकारता भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संविधानिक रूप से किसके पिसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। अगला, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन। अगला, राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित हैं, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। अगला, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश 80 और राज्यसभा में 31। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया? तो संविधान द्वारा अनुच्छेद 83। अगला है, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। अगला है, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। अगला, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के चार विवर्ग का खागाग थे, ये विवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द कब जुड़े? धर्म निरपेक्ष और समाजवादी, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ब्रिटिश सम्राट का। अगला है, केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है? तो थी कर सकती थी तो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकाल व्यवस्था, जैसा कि पहले बता चुके हम, ये अब 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दिए गए। अब जो प्रावधान पूरे इंडिया में लागू होते हैं, वही जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, अब कोई प्रतिबंध नहीं। अगला, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला, अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो याद रखिये, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग से निकाल कर किस स्थान दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अगला, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार?
अगला, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा, वाल्टेयर। अगला है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया, अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है, अनुच्छेद 75(3)। अगला है, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत संख्या है, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय का पुनः अभिपुष्टि हुई, केशवानंद भारती मामले। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, 1962 में। अगला है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अगला है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है तो विधायिका के प्रति। अगला है, भारतीय संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है, राज्यसभा की शक्तियों से। अगला है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 61। अगला है, केंद्र एवं भारत के राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण संबंधी 3 सूचियों के नाम बताइए, तो यह संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने तथा अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है, राष्ट्रपति। अगला है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राजव्यवस्था के किस पहलू से, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था, गोलकनाथ मामला 1967 में। अगला है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया हुआ है, 73वां संविधान संशोधन 1952 में। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया, ब्रिटिश शासकों ने। अगला है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई, तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में। अगला है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है, तो ये थे मैकाइवर। अगला है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। अगला है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राजसूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249। अगला है, किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, महान्यायवादी। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आप बहस किस स्तर पर होती है, द्वितीय वाचन। अगला है, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है, यह कथन है अरस्तु का। अगला है, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार था, कैबिनेट मिशन के पास। अगला है, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश कब की थी, 1967 में। अगला है, भारत में व्यय लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है, महालेखाकार। अगला है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में।
अगला है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित वर्धित हुई, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। अगला है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 355। 355। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया, प्रथम अनुसूची में। अगला है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधन के संवर्धन से संबंधित है, अनुच्छेद 51।